आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एयर वेसल टैंक। इससे जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे हम। उसके बाद स्टार्टिंग में ही आपको साइट का एक वीडियो दिखाएंगे, जहाँ पे आपको एयर वेसल टैंक जिस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है वो दिखाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे एयर रिलीज वॉल्व के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे प्रेशर रिलीज वॉल्व के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हमारा एयर वेसल टैंक है जो कि साइट में इंस्टॉल हुआ है। एयर वेसल टैंक बेसिकली फायर फाइटिंग पंप रूम में लगाया जाता है। देखिए किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन हुआ है। ऊपर जो है एयर वेसल टैंक पे जो वर्कर है उसको टाइट कर रहा है, उसको एयर रिलीज वॉल्व कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। उसका कनेक्शन एयर वेसल टैंक से जो सेंटर से एक पाइप 1 इंच का गया हुआ, देखिए ऊपर ये डिस्चार्ज का हेडर, उसमें जाकर उसके टैपिंग हुई है। हर एक जो मेन डिस्चार्ज का हेडर होता है उसके लिए एक एयर वेसल टैंक बनाया जाता है। इसकी टैपिंग कैसे कैसे हुई इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अब हम आगे देखते हैं कि एयर वेसल टैंक मतलब एक्चुअली में होता क्या है और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे काम करता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ यूज टू मेंटेन प्रेशर इन फायर पंप पाइपलाइन बाय रिलीजिंग एयर फ्रॉम द वाटर पाइपलाइन। तो कहने का मतलब ये है कि ये फायर पंप रूम में जो हमारा डिस्चार्ज का पाइपलाइन होता है उसमें अगर जो भी एयर फॉर्मेशन होता है या फिर बबल फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम एयर वेसल टैंक का इस्तेमाल करते हैं। एयर वेसल टैंक साइज डिपेंड करता है कि हमारा कितना बड़ा पंप रूम है। अगर पंप रूम में पंप जो लगे हैं बहुत हैवी हैवी लगे हैं तो उसके हिसाब से उतने ही ज़्यादा बड़े साइज़ का हम एयर वेसल टैंक चूज़ करते हैं। इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल कंटेनर की जैसे होता है। अभी देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 3 एयर वेसल टैंक लगे हुए हैं। ये MS का, जनरली MS मटेरियल का ये हम MS टैंक बनाते हैं। उसको देखिए MS टैंक का बनाने के बाद, MS मटेरियल का सॉरी, बनाने के बाद हमने येलो प्राइमर मारा हुआ है। अभी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसमें हम प्योर रेड पेंट से इसको पेंट कर देंगे। तो इस शेप में एयर वेसल टैंक होता है। एयर वेसल टैंक का बेसिकली काम यही होता है कि जो भी हमारे डिस्चार्ज का हेडर है उसमें अगर कहीं से भी एयर जनरेट होती है तो उसको रिमूव कर देता है। एयर वेसल टैंक के बारे में और भी चीज़ देखते हैं। इट इज़ हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड अपर हाफ फिल्ड विथ एयर। जैसे एयर वेसल टैंक में, जैसे देखिए अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो जो 1 इंच का पाइप लगा हुआ है जो कि सक्शन हेडर में जाकर टैपिंग हुआ है, देखिए ये एयर वेसल टैंक के सेंटर में लगा हुआ है। तो ज़्यादातर जो एयर वेसल टैंक जहाँ पे 1 इंच का पाइप टैपिंग हुआ है उसके बिलो यानी उसके नीचे पानी भरा रहता है और उसके ऊपर एयर भरी रहती है। इट इज़ मेड ऑफ MS पाइप ऑफ मोस्टली 10 इंच डायमीटर एंड इट हैव 1 to 1.5 मीटर लेंथ विथ 2 बॉल वॉल्व। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका ये साइज़ होता है MS टैंक, एयर वेसल टैंक का, इसकी डायमीटर जनरली हम 10 इंच लेते हैं। इसकी हाइट 1 से लेकर 1.5 मीटर तक रखते हैं। इसमें 2 बॉल वॉल्व लगाते हैं, एक ऊपर लगा होता है एक नीचे लगा होता है। ऊपर वाले बॉल वॉल में हम एयर रिलीज वॉल लगाते हैं और नीचे वाले बॉल वॉल में हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर इनकेस अगर उसमें पानी अगर कभी निकालना होता है एयर वेसल टैंक से तो नीचे वाला बॉल वॉल खोल के हम पानी को निकाल देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एयर रिलीज वॉल के बारे में देखते हैं कि एयर रिलीज वॉल क्या होता है। इट रिलीज एयर फ्रॉम डिस्चार्ज हेडर पाइपलाइन विच इज़ हाईली प्रेशराइज कंडीशन। जो भी हमारा डिस्चार्ज का पाइपलाइन होता है उसमें पानी जो भरा होता है वो हाई प्रेशर के साथ भरा होता है, तो उस पानी में कुछ एयर भी रहती है, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए एयर रिलीज वॉल लगाया जाता है। एयर रिलीज वॉल जनरली पाइपलाइन जो भी फिल होती है उसके पाइपलाइन के टॉप पे लगाया जाता है। एयर रिलीज वॉल वहाँ पे उसको इंस्टॉल करते हैं। कहीं कहीं पे इसको वैक्यूम वॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर इनकेस हमारा पंप बंद होता है तो सारा का सारा पानी वापस ही टैंक में चला जाता है NRV तक के लिए। तो उसमें अचानक से पाइप में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो उस वैक्यूम को एटमॉस्फेयर के जो एयर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी एयर रिलीज वॉल्व में काम करता है। ये जनरली 2 जगहों पे फायर फाइटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है एयर वेसल टैंक, जैसा कि अपने वीडियो में अभी देखा कि
कि वहाँ पे एयर रिलीज वाल्व उसके टॉप पे लगा हुआ है, और दूसरा होता है जो हमारा पंप रूम से निकला हुआ जो मेन हेडर होता है डिस्चार्ज लाइन का, उसके टॉप पे लगाते हैं। तो इन दो जगहों पे एयर रिलीज वाल्व का इस्तेमाल फायर फाइटिंग सिस्टम में किया जाता है। अब जैसे मेन हेडर का डिस्चार्ज जो हो गया, डिस्चार्ज का जो हेडर हो गया, जितने भी डिस्चार्ज के मेन हेडर हैं सब पे इसको हम ऊपर लगा देते हैं। तो उस मेन जो सक्शन का डिस्चार्ज का हेडर होता है वहीं से हम एयर रिलीज कर देते हैं, जिससे आगे की जो ब्रांचेज या फिर सब हेडर में अगर पानी जा रहा है तो उसमें एयर का फॉर्मेशन ना हो, और जो भी पानी हमारा स्प्रिंकलर के थ्रू या फिर हाइड्रेंट के थ्रू निकल रहे वो पल्सेटिंग नेचर का ना हो, वो कंटिन्यूसली निकलता रहे। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 10 बार और 110 डिग्री सेल्सियस, इसके प्रेशर लिखा हुआ है। ये एयर रिलीज वॉल्व है, इसमें देखिए हमने खोल के दिखाया हो कि अंदर एक बॉल टाइप का होता है, इससे बस केवल एयर ही पास हो सकती है, इसमें पानी इसके थ्रू से इसके रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता है। इसकी इस तरह का शेप होता है, ये देखिए इस तरीके का शेप है एयर रिलीज वॉल्व का। इसकी डायमीटर भी 1 इंच की होती है, तो वॉल वॉल हमारा जो अगर 1 इंच का है तो उसमें डायरेक्ट इसको हम लगा के टाइट कर देते हैं। एयर रिलीज वॉल पे हमने एक वीडियो भी बना के रखा हुआ है, उसका देखिए थंबनेल ये है, उसमें हमने एयर रिलीज वॉल या एयर वेंट वॉल उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन पूरा डिटेल में किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं एक बार। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर रिलीज वॉल की, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि प्रेशर रिलीज वॉल और एयर रिलीज वॉल पंप रूम में लगाया जाता है तो कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। तो मोस्टली हम पंप रूम में जो एयर वेसल टैंक होता है वहाँ पे हम एयर रिलीज वॉल ही लगाते हैं, प्रेशर रिलीज वॉल बहुत ही रेयर लगाते हैं। प्रेशर रिलीज वॉल देखिए यहाँ पे कहाँ लगाया हुआ है, जो हमारा डिस्चार्ज का हेडर होता है उसी पे ही लगाते हैं, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वहीं से वो पानी निकाल के वापस टैंक में भर देता है। इट इज़ यूज टू रिलीज एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम द पाइपलाइन विच इज़ जनरेटेड इन द सिस्टम एंड इट मेंटेन्स प्रेशर इन द सिस्टम। तो कहने का मतलब ये जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाता है इनके, अगर किसी भी तरीके से पाइपलाइन में हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, इसे हमने अगर प्रेशर सेट किया है 15 kg पे, लेकिन प्रेशर हमारा पाइपलाइन में चला जा रहा है करीब 16 या 17 kg, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जा रहा है जो कि हमारे पाइपलाइन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, तो उस प्रेशर को वहीं पे ये रिलीज़ करके वो पानी के फॉर्म में वाटर के फॉर्म में प्रेशर को रिलीज़ करता है, और वो एक्स्ट्रा जो वाटर निकलता है वो सीधा टैंक में भेज देता है। इट रिलीज प्रेशर ग्रेजुअली, हाँ इसके बारे में ये भी बताया गया, ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो ग्रेजुअली ये उस प्रेशर को रिड्यूस करता जाता है। इस तरह का इसका बनावट होता है, आप देखिए ग्रेजुअल का मतलब ये है कि अगर प्रेशर हम पाइपलाइन में अगर 1 kg या 2 kg प्रेशर ऐसे से धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसी वे में ये एयर प्रेशर रिलीज वाल्व उसी वे में थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर को रिड्यूस भी कर देता है वाटर के फॉर्म में इसको निकाल के, और जो वाटर निकलता है वो वापस टैंक में चला जाता है। अब इसकी वर्किंग के बारे में हम समझ लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक दिखाया गया है। सबसे पहले 1 नंबर पे देखिए इनलेट नोज़ल है, यहाँ से हमारा पानी जाता है। उसके बाद देखिए वॉल सीट है, वॉल होल्डर सीट होल्डर है, वॉल बॉडी है, इस तरह का सारा शेप है। तो जो हमारा पहला एरो है जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से पानी की एंट्री होती है। इनकेस अगर पाइपलाइन में पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा दाएं साइड पे जो एरो निकला हुआ है उस एरो के रास्ते, वो आउटलेट का एरो है, वहाँ के रास्ते ये पानी सारा वापस टैंक में चला जाता है। ऊपर देखिए 5 नंबर 6 नंबर पे ये प्रेशर सेट किया जाता है स्क्रू के साथ, 6वें नंबर पे कैप है, फिर स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के सारे वो चीज़ खुल जाती है। जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है सीट होल्डर, सीट होल्डर स्प्रिंग वहाँ से खुल जाती है, और यहाँ से पानी जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर के साथ बना रहता है वो वापस एरो के वे में वापस चला जाता है टैंक में। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो पूरी इसकी वर्किंग समझ में आती है कि सबसे पहले कहाँ से पानी जाता है और कौन सा प्रेशर होने पर वहाँ से पानी वापस कैसे निकल जाता है। अभी जो देखिए लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन लगा हुआ है उसमें जो हमने मार्किंग करके दिखाया बैक टू टैंक लिखा हुआ है, यहीं से पानी वापस चला जाता है। एक हमारे चैनल पे एक वीडियो पे एक सवाल आया था कि एआरवी मतलब एयर रिलीज वॉल्व
और प्रेशर रिलीज वाल्व को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी किसी उन्होंने बताया कि उन्होंने कहीं कहीं देखा है कि एयर वेसल टैंक पे भी एआरपी लगाते हैं और एयर वेसल टैंक पे पीआरपी भी लगाते हैं। तो उसको तो मुझको पूरा आइडिया नहीं है कि मतलब एक्चुअली में कहाँ लगाते हैं, लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ ये एयर रिलीज वॉल ही एयर वेसल टैंक पे लगाते हैं। पीआरपी तो बहुत रेयर मैंने देखा हुआ है। इनकेस पीआरपी तब लगाते हैं जब प्रेशर लाइन में बहुत ज़्यादा जनरेट होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो पीआरपी हम जो हमारा डिस्चार्ज का हेडर होता है उसमें ही लगाते हैं। जो भी हमने पिक्स दिखाई हैं सब में वैसे ही लगता है। और पीआरपी लगाने का मेन मतलब ये होता है, अगर पाइपलाइन में हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमारा जो जनरेट हो रहा है, अगर हम उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, मतलब कि पीआरपी के थ्रू वो वाटर हम बाहर नहीं निकालेंगे, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा और पाइपलाइन जो भी हमारी है उसको डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पीआरपी लगाना ज़रूरी होता है। और पीआरपी इसीलिए हम डिस्चार्ज के हेडर में लगाते हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन अगर हम वो प्रेशर नहीं रिलीज़ करते हैं तो पाइपलाइन हमारा फट सकता है। और इसकी असेंबली इस तरीके से होती है कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर वाटर के फॉर्म में जो हमारा रिड्यूस होता है, वो सारा वाटर हमारा वापस वाटर के टैंक में ही इकट्ठा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये ग्रेजुअल होता है और ऑटोमेटिक होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा वाटर के फॉर्म में वाटर रिलीज़ करके हमारा प्रेशर वो रिड्यूस कर देगा। एक 10% का कुछ सिस्टम है, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। अगर इन केस हमने प्रेशर स्विच में 20 kg प्रेशर सेट किया हुआ है कि पाइपलाइन में हमारा 20 kg प्रेशर जा रहा है, तो अगर ये चीज़ प्रेशर रिलीज वॉल्व में अगर 220 kg तक अगर प्रेशर जा रहा है, मतलब उसका 10% अगर 20 kg हमने सेट किया है, सॉरी 20 kg सेट किया है, तो उसका 2% यानी 22 kg, तो 22 kg प्रेशर पे हम अपने पीआरबी को सेट करते हैं कि अगर हमारा जनरली प्रेशर हमारा 20 kg है, तो अगर पीआरबी में 22 kg प्रेशर तक भी चला जा रहा है तो 22 kg प्रेशर तक वो रजिस्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बढ़ने देता है और ग्रेजुअल फॉर्म में लगातार वाटर को टैंक में भेजते हुए उस लाइन का प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक